हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आज आप सीखेंगे क्लास 10 में चित्र प्रकाशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला खंड। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न ये हो जाएगा 8वां, ये वाला देख लीजिए। 8वें के पहले दूसरा खंड है मित्रों, पहला करते हैं, दूसरा भी करेंगे करने वाले। देखिए तो देखिए इसे हल करते हैं मित्रों। ग्राफ विधि से हमसे हल करवा रहा है वो। ग्राफ विधि से हल करवाने के बाद में देखिए एक बार में प्रश्न पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से 8वां प्रश्न हो जाएगा तुम्हारा, 8वां मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए उकरान निम्न समीकरण युग्मों को एलए की विधि से हल कीजिए। इनके द्वारा निरूपित रेखाओं और वाई अक्ष के बीच के भाग को छायांकित कीजिए। एक बार पढ़ के और सुना देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये हो जाएगा, उकरान निम्न रेखीय युग्म समीकरणों को एलए की विधि से हल कीजिए। इनके द्वारा निरूपित रेखाओं वाई अक्ष के बीच में बीच के भाग को छायांकित कीजिए। ठीक है, मैंने हल डाल दिया तो यहाँ पर मैं कर लूँगा समीकरण नंबर 1 तो दे देता हूँ पहले। देखिए 3x-4y-7=0 समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं 5x+2y-3=0 समीकरण नंबर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में x, समीकरण नंबर 1 में माना x बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो यहाँ से मैंने समीकरण नंबर 1 में x बराबर 1 रखने पर, तो यहाँ पर देखिए 3×1, ठीक 3×1 -4y-7=0। ठीक, तो यहाँ से देखिए 3-4y-7=0। ठीक, तो यहाँ से देखिए जब ये -4y और यहाँ से माइनस के कितने बच के मित्रों, 4 बच के बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये -4y ये 4y उधर पहुंच गया। ठीक है, उधर जाने के बाद में प्लस का हो जाएगा मित्रों। तो यहां से देखिए 4 से 4 गया तो y बराबर कितना आएगा, यहां से -1 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां से डाल देता हूं। देखिए बिंदु बिंदु ए के जो बिंदु हो जाएंगे, देखिए यहां पर मैं बिंदु डाल देता हूं हिंदी में, बिंदु ए का जो बिंदु हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा तुम्हारा 1, -1, -1। एक तो बिंदु ही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं और आगे चलते हैं। देखिए फिर मैं करूँगा लेट मीन्स माना होता है मित्रों। यहाँ पे देखिए और मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए लेट कर दिया मैंने x बराबर 4 रखने पर। 4 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, कोई फर्क हम पर नहीं पड़ने वाला है मित्रों। यहाँ से 3 रख लेते हैं। चलो देखिए जब हम देखिए 3 रखेंगे इस x के स्थान पर, तो 3×3। ठीक, क्योंकि ये 3 तो अपना यही है सवाल वाला, ये वाला, और यहाँ पर ये इसके स्थान पर 3 आएगा, -4 y और -7=0। ठीक, तो यहाँ से देखिए 9-4y और -7=0। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से 2 बच गए और बराबर ये माइनस का उधर जाएगा, किसी चीज़ का हो जाएगा देखिए +4y। ठीक, तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये कितने बचे, यहाँ से 2 बच गए, यहाँ से 4y है ये तुम्हारा। तो यहाँ से देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये यहाँ से -9 मानेंगे। तो यहाँ से मैंने -9 रखेंगे, यहाँ से -3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा ये माइनस के ना। यहाँ से देखिए ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से ये कितने हो गए, देखिए यहाँ से, तो देखिए यहाँ से ये कितने हो गए 9, 16। ये कितने हो गए देखिए 9, -9 और -7, तो कितने हो गए ये 16 हो चुके हैं मित्रों। काहे के -16 हो चुके हैं। ठीक है, इस 4 से 16 कितनी बार गया, -4 बार गया। तो वाई बराबर ये आएगा, तो बिंदु ये हो जाएगा ए का बिंदु, ये हो जाएगा बिंदु, कितना हो जाएगा बिंदु जाएगा बी का जो बिंदु है तुम्हारा, बी का जो बिंदु इतना हो जाएगा, देखिए जाएगा तुम्हारा -3, -4। ये बिंदु जी आ जाएंगे अपने -3 और -4 ये। ठीक, और समीकरण इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 पर चलते हैं। देखिए समीकरण नंबर 2 पर चलेंगे मित्रों, तो यहाँ पर देखिए क्या चलते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 पर देखिए समीकरण नंबर 2 से, तो मैं 2 क्या अपनी ये, तो मैं यहाँ पर मान लूँगा लेट माना, या देखिए यहाँ पे देख रहा हूँ समीकरण नंबर दो में देखिए दो क्या आपने ये है, दो समीकरण नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे देखिए क्या मानेंगे हम पहले, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 2 में y = -1 रखने पर, 8 नहीं मित्रों, 1 रखने पर। जब इस पर हम रखेंगे देखिए समीकरण नंबर 2 ये है 5x+ है ये, तो यहाँ पर देखिए +2×-1 रख दिया इसके y के स्थान पे, क्योंकि y = 1 रख पा रहा, और ये -3=0। ठीक, तो यहाँ से देखिए 5x और -2 और -3 बराबर कितना, देखिए -3 ये है बराबर 0 है तुम्हारा,
माइन ये 5x और ये कितने हो गए मित्रों माइनस के 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से 5x बराबर ये 5 हो जाएगा। तो 5 से 5 कितनी बार गया, देखिए माइनस का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 5 से 5 कितनी बार गया, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो बिंदु हो जाएंगे बिंदु बिंदु सी के जो बिंदु हो जाएंगे बताइए कितने हो जाएंगे, 1, -1। ठीक, और इसी प्रकार प्रकार समीकरण नंबर 2 में पुनः वाई बराबर कितना 8 रखने पर जब रखेंगे तो देखिए 5x प्लस के 2 × 8 माइनस के 3 बराबर 0। ठीक, तो 5x प्लस के 16 माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना 5x यहाँ से देखिए कितने बच गए, यहाँ से 13 बच गए, कितने बचे 13, 8 × 2 = 16 में से जब ये 3 जाएंगे देखिए कितने बचेंगे, यहाँ से देखिए हम कितने बचाते हैं। तो यहाँ पे मित्रों यहाँ पे y बराबर 8 नहीं रख कर मित्रों क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, क्योंकि यहाँ से 8 रखने पर देखिए यहाँ से हम रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर थोड़ा सा मित्रों यहाँ पर ग्राफ नहीं है ना हमारे पास में, श्यामपट है, श्यामपट पर जो एक के बीच में ये खाने होते हैं ना 1, 2, 3, 4 इस प्रकार के, तो ये खाने नहीं होते मित्रों। मान लीजिए एक नंबर तुम्हारा ये हो गया, 2 ये हो गया, और यहाँ पर ये मान लीजिए 3 ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर बीच में अगर जो कोई बटे में आएगा तो मित्रों यहाँ पर बटे वाली संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी, यहाँ पर पूरे पूरे ना लिख करके यहाँ लिखी जाएगी, इससे कोई फर्क हम पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मगर हम मैं उन संख्याओं को लेता हूँ जो मित्रों पूरा पूरा आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा हिसाब लगाया मैंने, तो यहाँ पर 9 रख लेंगे। अगर मित्रों कोई ये इस प्रकार कोई सवाल भी हो तब भी हो जाए, इससे कोई कुछ भी रख ले कोई फर्क हम पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपके पास ग्राफ हो तो तब और मजा आता है मित्रों करने के लिए। ठीक है, अब ग्राफ नहीं है इसलिए मैं पूरी पूरी फिक्स संख्या ले लेता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम पे। तो यहाँ पे मैंने 9 ले लिया, तो यहाँ पे 9 ले लेंगे, यहाँ पे देखिए 9, तो 9 दुनी कितने हो गए मित्रों, ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 में जब ये 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे मित्रों, यहाँ पे प्लस के 15 बच जाएंगे बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर देखिए 5x बराबर ये माइनस के 15 और ये x बराबर 5 से कितनी बार कटेगा मित्रों, 3 बारी। तो यहाँ पर x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, वो भी किस चीज़ के माइनस के, तो मैं लिख दूंगा आते हैं बिंदु तुम्हारे हो जाएंगे बिंदु बिंदु डी का जो बिंदु हो जाएगा, डी का बिंदु बताइए क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये माइनस के 3, 9 माइनस के 3, 9 ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा डी का। ठीक है, अब ग्राफ बना लेते हैं, देखिए किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए हम ग्राफ बनाना बता देते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा इसका ग्राफ। देखिए तो मैंने यहाँ से ये एक्स अक्ष हो जाएगा तुम्हारा ये, और ये एक्स डैश अक्ष हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, ये वाई डैश अक्ष हो जाएगा ये। तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स हो गया, ये एक्स डैश, ये वाई डैश हो गया ये, इसके होने के बाद में। तो यहाँ से ये बिंदु हो गया, ये अपनी दो दिशाएं हो गई, एक एक्स होगा, ये एक्स डैश हो गई, ये वाई हो गई, ये वाई डैश हो गई। तो इसके बाद में हम चलते हैं इनके बिंदुओं पर मित्रों। यहाँ से जैसे कि 1 और 1, 1, -1, तो एक्स अक्ष पर यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचेंगे, हम पहुँच गए। यहाँ से पहुँचने के बाद में फिर यू करा माइनस का एक, पहला बिंदु ए का जो बिंदु है ये, तो 1, -1 है। तो यहाँ से लेकर मैं यहाँ से लेकर 0, ये 0 होता है, 0 से यहाँ से 1 इस दिशा में गए। दूसरा अपना वाई का होता था, वाई कौन सा, माइनस का, तो माइनस का ये वाई तुम्हारा वाई डैश ही है, तो माइनस में, तो यहाँ से एक बिंदु, तो ये मिल जाएगा तुम्हारा इस तरीके से मिलेगा ये, यहाँ से ये, तो यहाँ से एक बिंदु ये हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर मैं डाल सकता हूँ 1 के जो बिंदु हो जाएंगे कितने हैं, 1, -1 ये बिंदु हो जाएंगे तुम्हारे, आप देख रहे हैं यहाँ से ये। तो यहाँ से तुम्हारा एक ये वाला ये, और माइनस का तुम्हारा एक ये वाला, ये माइनस है मित्रों यहाँ से ये, तो ये इस दिशा में चलेंगे, इसे इस दिशा में, तो यहाँ पे बिंदु ये हो गया, तो इसकी ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 1 यहाँ से ये हो गया। दूसरा बिंदु क्या है इसका, माइनस के 3 और माइनस के 4, तो एक्स अक्ष पर माइनस के कितना 3 है, एक्स अक्ष पर कितना चलना है हमें, माइनस के 3, तो एक्स अक्ष पर माइनस के 3, तो माइनस के 3 कहाँ पर, ये एक्स अक्ष तुम्हारा ये गया डैश है ये, तो माइनस के 3 तुम्हारा ये वाला। ठीक, और वाई एक्स पर कितना चल रहा, माइनस के 4, देखिए माइनस के 4, तो वाई एक्स पर माइनस के 4, तो यहाँ से ये वाला, तो इसे हम थोड़ा डेड डैश आगे नीचे को बढ़ा लेंगे, यहाँ से देखिए ये, यहाँ से ये तुम्हारा चलते चले जाएगा, ये माइनस के 4 है, ये माइनस के 4, तो यहाँ से तुम्हारा माइनस के 4, तो ये जाएगा माइनस के 3, -4, तो ये जाएगा तुम्हारा बी है ये तुम्हारा। तो तुम्हारा ये बिंदु हो चुका है, यहाँ से एक बिंदु ये रिया और एक बिंदु ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ। ये मैं पटरी की सहायता से देखिए खींच देता हूँ आपके सामने, ये पटरी की सहायता से देखिए, यहाँ से हम खींचेंगे इसे ऐसे करते हुए, यहाँ से खींच देता हूँ देखिए, यहाँ से ये, तो यहाँ से मैंने खींच दिए ये रखा जाएगा तुम्हारी P, और ये हो जाएगा तुम्हारा
क्यों। ठीक, तो यहाँ से जो इसका जो रेखा तुम्हारी समीकरण है, ये समीकरण नंबर पहली समीकरण क्या थी अपनी, 3x - 4y बराबर 7। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इसे समीकरण को, देखिए समीकरण 3x - 4y और बराबर 7, ये समीकरण नंबर पहली हो जाएगी। सेम दूसरा बिंदु, दूसरे वाले समीकरण का बिंदु क्या है, 1, 1, तो 1, 1 तो बिंदु यही रहेगा। यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं, सी का बिंदु कितना जाएगा, 1, -1, तो ये बिंदु किसका हो गया, सी का। अब डी का क्या है, -3 और 9, तो -3 कहाँ पर देखिए, एक्स एक्स पर -3, तो -3 एरिया, और वाई एक्स पर कितना मित्रों, 9 है, प्लस के 9, तो 9 यहाँ पर पहुँचेगा। तो ये वाली ये इस दिशा में ऐसे चले गए, देखिए किस तरह चलाते हैं हम इसे, तो यहाँ से चलेगा इस तरीका से, ये पहुँचेगा तुम्हारे यहाँ से, ये होता हुआ यहाँ से देखिए, तो ये आएगा तुम्हारा एक बिंदु जाएगा -3, 9, ये हो जाएगा तुम्हारा डी बिंदु, यहाँ से ये डी बिंदु हो गया। अब इसे मैं पटरी की सहायता से मिला देता हूँ, देखिए एक बार, पहला जो दूसरा इसका बिंदु था क्या था, 1, 1, तो ये वाला तीसरा बिंदु इसका ये हो जाएगा, चौथा बिंदु डी ए हो गया। इसे मैं पटरी की सहायता से मिला देता हूँ, देखिए यहाँ से ये हो जाएगा तुम्हारा, ये देखिए यहाँ से हमने खींच दिया, देखिए यहाँ से ये बिंदु हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए ये एक बिंदु हो जाएगा पी क्यू, तो ये हो गया, ये हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा तुम्हारा एस। ठीक, जहाँ पे बिंदु काटता है ये से हम मान सकते हैं टी मान सकते हैं, इसके निर्देशांक एच कॉमा के हो जाएंगे, और जो इसके जो निर्देशांक है तुम्हारे ये हो जाएगा 1, -1। ठीक है, ये तो अपने एक्स बराबर कितना लिख सकते हैं, एक्स बराबर लिख सकते हैं 1 और वाई बराबर कितना, -1। यहाँ से ये तो ये आंसर हो जाएंगे इसके आंसर। ठीक, बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर देखिए एक इसका जो बिंदु हो जाएगा ये हो जाएगा, और एक यहाँ पर कहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर ये इसके निर्देशांक हो जाएंगे, त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर, देखिए मैं इसे छायांकित कर देता हूँ पटल को, यहाँ पर ये हो जाएगा तुम्हारा ये पटल को मैंने छायांकित कर दिया, देखिए तो यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा ये, इसे हम नाम देना चाहें तो इसे नाम भी दे सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए मैं नाम बता देता हूँ इसका, एक बिंदु हो जाएगा इसका तो बिंदु टी हो गया टी, और एक बिंदु हो जाएगा इसका इसके मान लीजिए इसमें मान लीजिए मैंने पी क्यू आर एस और ये टी हो गया, और यहाँ पर मान लेंगे हम जे, ये मान लीजिए मैंने एक बिंदु क्या मान लिया, जे मान लिया, और इसे मान लेते हैं हम यहाँ से के बिंदु मान लेते हैं, कोई भी बिंदु मान लीजिए, तो ये त्रिभुज बन जाएगा इस प्रकार से, त्रिभुज को हमने छायांकित कर दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ से त्रिभुज कौन कौन सा, यहाँ पे एक बिंदु टी हो गया, यहाँ पे मैंने जे बैठा दिया यहाँ पे जे, और यहाँ पे तुम्हारा टी बैठा हुआ, और इसके स्थान पे यहाँ पे देखिए क्या बैठा है, मैंने के बैठा था, इस प्रकार ये त्रिभुज बन गया इस प्रकार से। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जो वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।